हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी कि संघीय व्यवस्था यहाँ पर काम करती है, क्योंकि यहाँ पर भारत जो है बहुत सारे राज्य इसमें शामिल हैं। कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, कोई पश्चिम में, कोई पूरब में, कोई पूर्वोत्तर में, कोई मध्य में। तो भारत एक संघीय देश है जो जहाँ पर बहुत सारे राज्य मिलते हैं। तो देखिए, जो भारत में जो राज्य हैं इनमें जो जनसंख्या बसती है वो करोड़ों की तादाद में बसती है। तो इतने बड़े राज्य हैं, क्षेत्रफल में भी काफ़ी बड़े हैं और जनसंख्या के मामले में भी काफ़ी बड़े हैं। तो इनको जो गवर्न करने की जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा जो है पेचीदगी भरी होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो इसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ को देखते हुए यहाँ पर ज़िलों का निर्माण हुआ। ज़िलों का निर्माण अंग्रेज़ों के ज़माने से ही है, क्योंकि उनको पता था कि जितनी ज़्यादा छोटी यूनिट होगी एडमिनिस्ट्रेशन की, उतना ही बेहतर तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और इसी तरह से जैसे कि उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ की आबादी है और इसमें ज़िलों की संख्या है 75। पहले 72 होते थे, लेकिन यहाँ पर 3 ज़िलों की संख्या और बढ़ा दी गई, जो बाद में अब 75 बन गई है। और ये जो तीनों जो ज़िले बड़े हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े, जैसे कि हापुड़ बढ़ा, एक संभल बढ़ा और एक शामली बढ़ा, ये 3 बड़े थे। तो इस तरह से यहाँ पर ज़िले बनते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कम भी हो सकते हैं, लेकिन कम होने की रफ्तार इतनी नहीं है जितनी बढ़ने की है। और अभी फैसला लिया गया है पश्चिम बंगाल द्वारा। पश्चिम बंगाल ने फैसला लिया है 7 नए ज़िले बनाने का, जिसकी वजह से अब पश्चिम बंगाल में 30 ज़िले हो जाएंगे। पहले 23 थे, लेकिन अब 7 नए ज़िले बन गए हैं, जिसके बाद इनकी संख्या हो गई है 30। तो क्या है ये पूरा का पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। क्यों राज्य जिले बनाते हैं, किस आधार पर बनाते हैं और क्या इसमें केंद्र की भूमिका होती है, सारी डिटेल के साथ बात करते हैं आज। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। तो ये है आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड का, वेस्ट बंगाल टू कार्व आउट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट, टोटल नंबर राइजेस टू 30। यानी कि यहाँ पर 7 नए जिले बना दिए हैं, जिससे जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है 30। सीएम ममता बनर्जी अर्लियर ऑल्सो नाउज एट द कैबिनेट रीशफल इज ऑन कार्ड। वो कैबिनेट रीशफल की बात हम बाद में करेंगे, वो पॉलिटिकल, लेकिन अभी फिलहाल हम बंगाल में जो जिले बने हैं उसके ऊपर आते हैं। 1 अगस्त का आर्टिकल है ये। तो बात करते हैं कि मामला क्या है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस को आसान बनाने के लिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, जिसमें ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि बंगाल में 7 नए ज़िले बनाए जाएंगे, और इसी के साथ ही वेस्ट बंगाल में मौजूद ज़िलों की संख्या 23 से बढ़कर 30 हो जाएगी। और जो नए ज़िले बने हैं उनका नाम होगा सुंदरबन, इच्छामती, राणाघाट, विष्णुपुर, जांगीपुर, बहरामपुर और बासिरहाट। ये बात खुद ममता बनर्जी ने कही है। और अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा ज़िला कहां कहां पर बनेगा। तो ये है पश्चिम बंगाल का ज़िलों का नक्शा। तो जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि कौन कौन सा ज़िला कहां बनेगा, उसके लिए हम वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट मैप का सहारा लेना पड़ेगा जो आपके सामने है। तो ये है पश्चिम बंगाल का नक्शा, जिसमें अभी आपको केवल 23 ज़िले दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कौन सा ज़िला कहां से निकलेगा। तो जो सुंदरबन ज़िला निकलेगा वो साउथ 24 परगना ज़िले से निकलेगा, इसके बाद इच्छामती जो ज़िला निकलेगा और बासिरहाट ज़िला जो निकलेगा वो नॉर्थ 24 परगना से निकलेगा, नदिया ज़िले में से राणाघाट ज़िला निकल जाएगा, और 5वां ज़िला होगा विष्णुपुर जो बांकुड़ा ज़िले से निकलेगा, और इसी के अलावा बाकी के 2 ज़िले होंगे जो बहरामपुर और जांगीपुर होंगे, वो मुर्शिदाबाद से ज़िले से निकलेंगे। तो इस तरह से इन 7 ज़िलों को बनाया जाएगा और इससे पश्चिम बंगाल में ज़िलों की संख्या 23 से बढ़कर 30 हो जाएगी। लेकिन सवाल यह आता है कि ज़िलों को क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, जहाँ जो सरकारें होती हैं वो समय के साथ साथ नए नए ज़िले बनाती रहती है, और इसके पीछे का कारण ये समझा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो छोटी यूनिट होती है वो बेहतर तरीके से सरकार चला सकती है, और इसके अलावा छोटी यूनिट से सरकार और लोग आपस में बेहतर तरीके से काम भी कर सकते हैं, बेहतर तरीके से जुड़ भी सकते हैं, और बेहतर तरीके से लोग एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ के जो लोकल लोगों की भी नए ज़िले बनाने की डिमांड होती है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ कि उत्तराखंड में एक ज़िला आता है पौड़ी गढ़वाल, उसमें एक जगह है कोटद्वार, तो कोटद्वार के लोग कोटद्वार को एक नया ज़िला बनाना चाहते हैं, और ये डिमांड कई वर्षों से वहाँ के लोग कर रहे हैं। इस वजह से वहाँ की जो जनता जो है वो ज़िलों की डिमांड भी कर सकती है, और इसी तरह से यहाँ पर भी जब ज़िले बनते हैं ना उसकी डिमांड भी लोग करते हैं कि हाँ भाई कि हमें नया ज़िला चाहिए। और इसी तरह से इसी साल अप्रैल के महीने में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी आंध्र प्रदेश में 13 नए ज़िले बनाने की घोषणा कर दी। 2019 में विधानसभा चुनावों में जगन मोहन रेड्डी ने नए ज़िले बनाने का वादा किया था, और अपने वादे को कायम करते हुए उन्होंने 13 नए ज़िले बना दिए। और उनका ये मानना था कि स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने से एक अच्छी और पारदर्शी सरकार बनती है, और इसके अलावा अच्छे तरीक़ों से जनहितकारी योजनाएँ जो है वो बेहतर ढंग से काम करती हैं। अब अगर ज़िला बड़ा होगा तो ज़्यादा क्षेत्रफल और ज़्यादा संख्या भी उसमें होगी, लेकिन ज़िलों को छोटा कर देने से लोगों को ज़्यादा दूर नहीं जाना होगा, और
कम जनसंख्या पर बेहतर सुविधाएं भी मिलती है। और इसके अलावा क्षेत्रफल ही नहीं बल्कि पॉपुलेशन भी एक पैमाना होता है जिससे जिलों को बनाया जाता है। जैसे कि जब जगनमोहन रेड्डी ने 13 जिले नए बनाए थे तो आंध्र प्रदेश में टोटल जिलों की संख्या 36 हो गई थी, यानी कि 13 नए जिले बनाने से पहले आंध्र प्रदेश में सिर्फ 13 ही जिले थे, यानी कि जगनमोहन रेड्डी ने जिलों की संख्या डबल कर दी, 13 से 26 कर दिए। और आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या डबल करने के बाद अब ऑन एन एवरेज आंध्र प्रदेश में हर जिले की जनसंख्या लगभग 20 लाख हो गई है, 2 मिलियन, जो पश्चिम बंगाल से आधी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ऑन एन एवरेज हर जिले की जनसंख्या लगभग 40 लाख है, 4 मिलियन, तो आंध्र प्रदेश के कंपैरिजन में आधी ही है। इतना ही नहीं, वेस्ट बंगाल का जो साउथ 24 परगना है जिला है उसकी जनसंख्या 80 लाख है और उसका क्षेत्रफल 10,000 किलोमीटर वर्ग है। और नॉर्थ 24 परगना की हालत तो और ज़्यादा ख़राब है, जहाँ नॉर्थ 24 परगना का क्षेत्रफल सिर्फ 4,000 वर्ग किलोमीटर है तो उसकी जनसंख्या ही 1 करोड़ है, यानी कि क्षेत्रफल में आधे से भी कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में सरकार काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करती है। लेकिन सवाल यह आता है कि नए ज़िले बनाने की पावर किसके हाथ में होती है, क्या ये राज्य सरकार के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में है? तो देखिए, नए जिले बनाने की शक्ति केंद्र के पास नहीं बल्कि राज्य सरकार के हाथ में होती है, जहाँ पर अगर राज्य सरकार को अगर कोई नया ज़िला बनाना हो तो उसके लिए सिंपली एक लॉ पास करना होगा विधानसभा में, या फिर राज्य सरकार ऐसा ऑर्डर भी जारी कर सकती है। केंद्र सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन एक मामला है जिसके लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार से NOC लेनी होती है, वो है तब जब राज्य सरकार को किसी ज़िले का नाम या रेलवे स्टेशन का नाम बदलना हो, तो तब केंद्र सरकार से नाम बदलने के लिए NOC मांगी जाती है। केंद्र सरकार NOC दे देगी तो जिले और रेलवे स्टेशन का नाम बदल जाएगा। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या भारतीय राज्य सच में जिले बना रहे हैं ज़्यादा? हाँ जी, भारत में जिलों की संख्या बढ़ रही है। जहाँ पर 2001 में हुई जनसंख्या में भारत में सिर्फ 593 जिले थे तो 2011 की जनसंख्या में ये बढ़कर 640 हो गए। और अगर हम आज की बात करें तो भारत में आज कितने ज़िले हैं, तो भारत में अभी फ़िलहाल 775 ज़िले हैं, जो बेहद ही तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। अगर हम स्टेट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 75 ज़िले हैं, उसके बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का, जहां पर ज़िलों की संख्या 52 है। गोवा में सिर्फ 2 ही ज़िले हैं, जो है नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। अब देखते हैं कि नए ज़िले बनने पर क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं हूँ इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए @ इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है @ इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।